बांदा राजस्थान मांगरोल कस्बे सहित तहसील क्षेत्र के गांव में रात से ही हो रही बूंदाबारिश ने एक बार फिर किसानों को चिंता में डाल दिया। शनिवार देर रात्रि शुरू हुई बूंदाबांदी बरसात रविवार दोपहर तक जारी रही। बोहत गांव के किसान राम नारायण मालव, बजरंग लाल मालव, चंद्रभान मालव ने बताया कि खेतों से हार्वेस्टर मशीन से कटाई फसल की नमी सुखाने के लिए पिछले कई वर्षों से गणेश चौक मैदान को ही काम लेते हैं। कटी कटाई धान सोयाबीन में तैयार कर सूखने के लिए फैलाई हुई है। किसानों का कहना है कि कहीं से किसी प्रकार की बरसात की आशंका नहीं थी, इसके चलते धान सोयाबीन की पुनः भीग गई। उसी आनन-फानन में इकट्ठा कर तिरपाल बरसाती से ढका गया। इधर खेतों में कटी पड़ी सोयाबीन भी खराब होने की संभावना से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें पसरी हुई है। 4-5 दिन पहले इसकी हार्वेस्टिंग करवाई थी हमने। मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा था, पानी का माहौल बन रहा था 24 घंटे, तो उसी पानी के बीच में हम फार्मिंग करके हार्वेस्टिंग करके हमने यहाँ पे सोयाबीन निकाल के लेके आया है। लेकिन सोयाबीन वापस यहाँ पे सुखाने के लिए डाली है, लेकिन मौसम का क्लाइमेट बदल रहा है बार बार में, और ऐसा क्लाइमेट बदल रहा है सोयाबीन सूखा हुआ माल है जो वापस नमी के कारण काला पड़ गया है, और इससे किसानों को बहुत ज़्यादा समस्या है। अब इसको 2 दिन बाद में हम मंडी में बेचने जाएंगे, तो वैसे ही पहली बात तो सोयाबीन का भाव कम है, लेकिन इस मौसम के कारण और भाव और डाउन जाएगा। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि इसके लिए थोड़ी छाया की व्यवस्था करें ग्राम पंचायत स्तर पर। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।